रहमान रहीम, आज हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। और आज हम बात करेंगे ऑनेस्टी पे। ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी को। तो आप अपनी बुक में जो तस्वीर बनी हुई है प्यारे बच्चों, उसको देखें, लुक एंड देन से इट, यानी उसको बोलें, उसको प्रोनाउंस करें एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको समझने की कोशिश करें और समझने के लिए जो है वो एक दूसरे से डिस्कस करें जो आपको समझ आई है, और उसके बाद फिर उसको लिखें, राइट। तो जो आज की स्टोरी है वो है अबाउट द ऑनेस्ट वुड कटर। वुड कटर जो है वो लकड़हारे को कहते हैं, लकड़ियां काटने वाले को। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। फरीद इज़ द वुड कटर। फरीद एक लकड़हारा है। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। वो बहुत ईमानदार है। One day, एक दिन, his wooden axe falls in the river. उसका लकड़ी का कुल्हाड़ा दरिया में गिर गया। He is very sad. वो बहुत उदास हो गया। ज़ाहिर है उसकी लकड़ियाँ नहीं कटेंगी। A fairy comes to the woodcutter. एक परी कुल्हाड़े के पास आती है। She tells him. वो उससे कहती है, Don't be sad. तुम उदास ना हो। I will find your axe. मैं तुम्हारा कुल्हाड़ा तुम्हें ढूंढ दूंगी। आप आजकल के ज़माने में तो कोई परियां नहीं होती। द फेरी ब्रिंग्स अ सिल्वर एक्स फ्रॉम द रिवर। परी जो है वो दरिया से चांदी का कुल्हाड़ा लाती है। द वुड कटर सेज दिस इज नॉट माई एक्स। लकड़हारा कहता है, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। शी ब्रिंग्स अ गोल्ड एक्स। उसके बाद वो एक सोने का कुल्हाड़ा लाती है। द वुड कटर सेज दिस इज नॉट माई एक्स। लकड़हारा कहता है, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। देन फेरी ब्रिंग्स द वुडन एक्स। तब परी लकड़ी का कुल्हाड़ा लाती है। द वुड कटर इज वेरी हैप्पी। लकड़हारा बहुत खुश होता है। ही सेज दिस इज माई एक्स। वो कहता है, ये मेरा कुल्हाड़ा है। द फेरी इज़ हैप्पी विद द वुड कटर फॉर हिज ऑनेस्टी। परी लकड़हारे की ईमानदारी पे बहुत खुश होती है। शी गिव्स हिम द थ्री एक्सेस। वो तीनों कुल्हाड़े लकड़हारे को दे देती है। अब आप तो सोचेंगे कि आजकल तो ना कोई लकड़ियाँ काटने जाता है, ना परियाँ आती हैं, तो हमने इस स्टोरी से क्या सबक सीखा? क्या वाकई हमें इसका यकीन है कि जिस तरह लकड़हारे को अपनी ईमानदारी का सिला मिला, हमें भी मिलेगा? तो ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी का मतलब होता है सच बोलना, अपने साथ सच्चे रहना, दूसरों के साथ सच्चे रहना, कोई सामने हो या ना हो, हर हाल में सही बात करना। यानी जो करते हैं वही अपनी ज़बान से कहना जो है वो ऑनेस्टी कहलाता है। और हम देखते हैं कि ईमानदारी मुसलमान होने का सबसे बुनियादी तकाजा है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सदीकुल अमीन, उनसे ज़्यादा ना कोई सादिक था और ना कोई अमीन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या मिसालें मिलती हैं कि आप ताजिर थे तो सादिक अमीन। अगर तो हमारा आजकल क्या मामला होता है कि अगर हमें पता चलता है कि ये बंदा बाहर से आया है तो टैक्सी वाला जो है वो रेट ज़्यादा बता देता है, दूध वाला जो है वो दूध में पानी मिलाता है, अगर मसाले लेने जाएं तो उनमें मिलावट होती है। तो ये चीज़ें ईमानदारी के ख़िलाफ़ हैं। और अगर हम गोश्त खरीदते हैं तो हमें बाद में पता चलता है कि बीमार और मरे हुए जानवरों का गोश्त खिला दिया गया है। इसी तरह जो फल बेचने वाला है वो या तो गंदे फल डाल देता है, या जो लिखा हुआ रेट होता है उसकी बजाय गाड़ी से उतरने वाले को महंगी चीज़ें बताता है। तो जो सच्चा बंदा होता है वो हमेशा एक ही बात करता है, इसलिए उसे सच बोलने के लिए कुछ याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो एक ही बात करेगा, सच्ची बात करेगा, हमेशा सच बोलेगा। तो अगर हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में चलें तो हमें सच्चाई का रास्ता जो है ना वो जन्नत को जाता है, क्योंकि सच्चाई अच्छे कामों की तरफ लेके जाती है और अच्छे काम जन्नत की तरफ लेके जाते हैं। और सच के रास्ते पे चलने का ये फ़ायदा भी होता है कि रास्ते में कहीं भीड़ नहीं होती, लोग कम होते हैं, लेकिन हमें सच्चा बनना है अपने साथ भी, दूसरों के साथ भी। और कोई सच्चाई इख्तियार करे ना करे, मैंने हर काम में अब सच्चाई
का रास्ता इख्तियार करना है तो हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें। हम कौन हैं, क्या हैं, या खुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं, हैं अगर याद तो काफर के तराने ही बस, ये इकबाल का कहना है। तो अल्लाह करे कि हम अपने असलाफ की रवायात को, अपने नबी की सुन्नत को ज़िंदा करने वाले हों। तो ये जो वीडियो है आपकी खिदमत में पाकिस्तान होम स्कूल चैनल की तरफ से पेश की गई है।